हेलो गाइज, वेलकम टू अची वाइस। माय नेम इज आयुष। इस वीडियो में हम 22 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। एक्सप्लेन पेज है, आज संडे का आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। ये वैन विल आर COVID-19 वैक्सीन भी रेडी। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम जो हमारा एक सबसे ज़रूरी आर्टिकल है जो आपके लिए जाना जरूरी भी है वो पढ़ लेते हैं। वाई आर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कोरोना वायरस केसेस टेस्टेड। भारत में क्यों कुछ ही कोरोना वायरस केसेस को टेस्ट किया जा रहा है, कुछ ही लोगों को जो है सस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। टेस्ट करने वाली कौन है संस्था? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अब आज इन्होंने जो है अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी रिवाइज किया है। ये अब हर पेशेंट जिसको खांसी जुकाम है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसको जो सार से जूझ रहा है, उसको टेस्ट करेंगे। अब तक क्या करते थे? अब तक ये केवल जो विदेश से लौट के आए हैं उनको ये चेक करते थे। ऐसा क्यों करते थे? चलिए पढ़ते हैं। COVID-19 केसेस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ अथॉरिटीज़ टेस्टिंग का जो पूल है, टेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है, बड़ी करती जा रही, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए। फ्राइडे पे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइंस इशू किया कि किस तरीके से नई टेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। फोकस ये है, अब तक ये फोकस था कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं विदेश से उनको चेक किया जाए, और वो जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की उनको चेक किया जाए। अब जो नई गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि जो सारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, हॉस्पिटलाइज्ड अभी भी केवल हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, लेकिन चाहे वो बाहर से आए हो चाहे नहीं आए हो, लेकिन अगर उनको सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फीवर है और कफ है, तो उनको टेस्ट किया जाए COVID-19 से। तो ये जो और जो उसके साथ वाले कॉन्टैक्ट्स भी है ना, उनको भी पाँचवें दिन और चौदहवें दिन जो है जब वो मुलाकात की थी उन लोगों ने पेशेंट से, तो उसके पाँचवें दिन फिर उसके चौदहवा जो दिन होगा उसमें टेस्ट किया जाएगा कॉन्टैक्ट्स का भी। अच्छा, अब तक जो आ रहे थे विदेशी लोग उनका क्यों किया जा रहा था? देखो, सबसे पहले तो चेकिंग किस तरीके से होती है, सिम्टम्स देखने के लिए। तो आपको जो है पता चल जाएगा कफ है, फीवर है, ब्रेथलेसनेस है, ठीक है। हॉस्पिटल में जब वो जाएगा तब वहाँ पे जो है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ये टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपके गले से या आपकी जो नाक से जो है एक स्वैब लिया जाएगा, एक टेस्ट सैंपल लिया जाएगा, उससे जो है पता लगाया जाएगा कि क्या आपके वास्तव में ये वायरस है कि नहीं है। क्योंकि जहाँ तक आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये जो है इफेक्ट करता है वायरस, तो उसके लिए जो है गले से जो है सैंपल लिया जाएगा। फिर जो है जो डिजाइनेटेड गवर्नमेंट सेंटर्स हैं उनको भेजा जाएगा चेक करने के लिए। अब सैंपल जो है वो सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई थी, जिन्होंने चेक करना शुरू किया था। अब तो खैर बहुत सारी लैब्स भारत में खुल गई हैं या उनको ऑथोराइज कर दिया गया इसको चेक करने के लिए। NIV शुरुआत में इसलिए थी और सबसे पहले इसलिए थी क्योंकि इसके पास BSL-4 टेक्नोलॉजी है, और BSL-4 टेक्नोलॉजी वाली भारत में ये पहला जो है एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके पास ये फैसिलिटी। बाकी सबके पास BSL-3 BSL-2 ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चेक नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन इसके पास इक्विपमेंट्स अच्छे अच्छे हैं। तो SARS जो COV-2 वायरस है, बेसिकली अगर हम देखें तो इसका सैंपल मशीन में जाता है और देखा जाता है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जिसको RNA भी कहते हैं, वो आइसोलेट किया जाता है सैंपल में से, और उसमें जो टेस्ट किए जाते हैं। फिर जो RNA निकल के आया वायरस का, उस RNA पे देखा जाता है कि क्या ये जो है क्या किस तरीके से जो है यहाँ पे चल रहा है। तो कोरोना वायरसेस के स्ट्रक्चर को आप जानते हैं और जिस तरीके से रिसर्च हो रही है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे जो है इसको पकड़ने में लगे हुए हैं कि SARS जो है वो किस तरीके से फैल रहा है। जब से देखो SARS वैसे तो 2003 में शुरू हो गया था, लेकिन COVID-19 जो है ये उसका एक अलग पार्ट है। SARS-CoV-2 इसको बोले जा रहा है। SARS जो है 2003 में आया था, लेकिन SARS-CoV-2 यानी कि जो COVID-19 है वो अभी आ रहा है, और उस पर जो है सैम्पलिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा से हो रही है। तो यहाँ पे और आपके लिए जानने के लिए है ये सारी चीज़ें कि टेस्टिंग कैसे होती है। आर्टिकल का मकसद ये था कि हाँ, हम टेस्टिंग में जो हमारी अप्रोच अब तक थी और रिवाइज हमने क्यों किया। देखो, अभी जो हमारे पास 79 लेबोरेटरीज हैं जो कि SARS-CoV-2 को टेस्ट कर सकती है, COVID-19 को केवल 79 लेबोरेटरीज देश भर में जो टेस्ट कर सकती है। तो हमारे पास लेबोरेटरीज कम है, इक्विपमेंट्स कम है, तो इसलिए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर आते हैं, बेसिकली इसकी अप्रोच ये थी कि सबसे पहले तो उन लोगों को देखो, रिसोर्सेज उन लोगों पे लगाओ जिन्होंने इस डिसीज़ के सिम्टम दिखाए और ट्रैवल हिस्ट्री है।
मतलब सबसे पहले तो उन लोगों को चुना गया जो विदेश से तो आए हैं लेकिन जिनकी सिम्टम भी दिख रहे हैं, जिनको विदेश से आए जिनको सिम्टम नहीं दिख रहे उनको छोड़ दिया। और अगर मान लो किसी का सिम्टम दिखा तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स को भी के पास भी जाएंगे, उनके सिम्टम्स अगर कोई दिखाई दिया तो उनको भी जो है पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो केवल सिम्टम पे देखा गया और वो भी केवल उन्हीं लोगों को जो विदेश से आ रहे हैं, विदेश से जो आए जिनको सिम्टम नहीं दिखा उनको छोड़ दिया गया। और उन लोगों को तो खैर छोड़ ही दिया जो लोग सिम्टम दिखा रहे हैं लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर आपके पास आप सिम्टम्स दिखा रहे हो, खांसी जुकाम आपके है, ब्रीथ में शॉर्टेज आ रही है, गले में दर्द है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब जो है नई गाइडलाइंस आई है, इसमें सारे जो है सिम्पेटिक हेल्थ वर्कर्स हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को जो है ले लिया गया, क्योंकि दुनिया भर में हेल्थ वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं, तो इनको भी ले लिया गया है। जो पेशेंट्स हैं चाहे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही हो चाहे नहीं रही हो, उनको जो है इनमें टेस्टिंग स्टार्ट की जा चुकी है। वो सिम्टम्स नहीं भी दिखा रहे हो तो भी जो है उनका चेकअप 5वें दिन और 14वें दिन होएगा, क्योंकि आपको पता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है, एंड 14 दिन तक ये जो है सिम्टम नहीं दिखाता। एक कोस्ट की टेस्ट ऐसे तो फ्री है, टेस्ट वैसे आपके लिए फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए 4500 रुपये के टेस्ट आते हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और ना इसे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो रिसोर्सेज ना काफ़ी कम है हमारे पास। इस वजह से जो है हमने ICMR की अप्रोच थी कि शुरू में ऐसे रिसोर्सेज केवल उन लोगों पर लगाया जाए जो सिम्टम दिखा रहे हैं और ट्रैवल हिस्ट्री है, ताकि बाद में अगर वाइड स्प्रेड अगर ये आउटब्रेक होता है तो हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगे नहीं टेस्टिंग के लिए। अब जो आउटब्रेक हो रहा है इसके लिए जो है यहाँ पे ICMR ने गाइडलाइंस एक्सपेंड की है और सारे पेशेंट्स को अब इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काम होता है। व्हेन विल COVID-19 वैक्सीन भी रेडी, वैक्सीन कब रेडी होगी? देखो वैक्सीन जो रेडी होगी उसके लिए सबसे पहले आप तो समझना पड़ेगा कि अब तक जो ट्रायल चल रहे थे, अब देखो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है अभी, तो इसमें टेस्ट किया जा रहा है वैक्सीन का, और आप देखोगे US के सीटल में ये हो रहा है। सो SARS-CoV-2 को आज 100 दिन हो चुके हैं, मतलब इसमें जब से चाइनीज़ रिसर्चर ने नॉलेज दी है, जीनोम सीक्वेंस दिया है, चाइनीज़ अथॉरिटी ने इसके बारे में बताया, तब से 100 दिन हो चुके हैं और टेस्ट भी चालू हो चुके हैं। 11,402 लोग हैं जो कि मौत हो चुकी है जिनकी, 12,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। US में एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड 1273, ये जो है वहाँ बनाई है वहाँ के इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर। वैक्सीन्स कैसे बनती है और वैक्सीन होती क्या? देखो वैक्सीन सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो कैसे काम करता है। आपको कोई वायरस अगर हो जाता है, कोई वायरल डिसीज़ आपको हो जाती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जानता है कि ये वायरस जैसे ही आपके बॉडी में एंटर हुआ पकड़ लेगा और पकड़ पे जो है उस पे हमला बोल देगा। लेकिन जब उसने हमला किया तो उसको अगर उसके बारे में पता नहीं है कि ये जो वायरस आपके शरीर में आया उसके बारे में इसको कुछ आता पता नहीं है कि यार ये वायरस अगर नया हो, तो इसके लिए वैक्सीन चाहिए होती है। और वैक्सीन में क्या होता है कि अब मान लो अगर आपको ये वायरस हो गया, वैक्सीन आपको लगा दी, अब ठीक हो गए, दोबारा आपको जब ये वायरस होएगा तब आपके बॉडी को पता होगा कि वायरस हो चुका है, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में इसकी मेमोरी बन गई होगी कि ये वायरस ऐसा है। ये जो चीज़ होती है वायरस है, वो वायरस को पहचान नहीं पाता स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वैक्सीन क्या काम करती है, उस वायरस का डेड फॉर्म लेके, वायरस आपको पता है लिविंग भी होता है नॉन लिविंग भी होता है, तो डेड फॉर्म लेके इनएक्टिव फॉर्म लेके बॉडी में डाल देती है और बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इन्फॉर्म कर देती है, देखो भैया ऐसा ही ये वायरस होता है और इसको जो पहचान लो अच्छे से, और कलने को तुम्हारे पास आए बॉडी में तो इसको जो है रोक लेना। बॉडी उसको पहचान जाती है इनएक्टिव फॉर्म को, और जब एक्टिव फॉर्म में आता है स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, तो उसको जो है इम्यूनिटी सिस्टम रोक देता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक बॉडी को पता नहीं चलता कि ये वायरस है, और इम्यूनिटी सिस्टम को जो है फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो वैक्सीन क्या होती है, एक तरीके की सब्सटेंस होती है जो कि यहाँ पे जो पैथोजीन है आपका, जो डिसीज जिससे होता है, वो उसका डेड फॉर्म ले लेती है। लेकिन डेड फॉर्म शरीर में डालते हैं तो उसे बीमारी नहीं होती, उसे केवल बॉडी के इम्यून सिस्टम को उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद हो जाती है और उसको मारने में जो है काफ़ी मदद मिल जाती है। मेमोरी बन जाती है इम्यूनिटी सिस्टम में कि हाँ ये वायरस है, इस तरीके का वायरस जो है बॉडी में आया तो हमला करना है, ये स्ट्रक्चर एक तरीके का वायरस है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मैग्नेटिस, टाइफोड, टिटनस, डायफिथ्रिया, सारे कैंसर्स अगर आप देखें कुछ सबके लिए वैक्सीन बन चुकी है। वैक्सीन्स ने हमारे दुनिया में स्मॉल पॉक्स और पोलियो को भी रिडिकेट किया,
पूरा नहीं किया पोलियो को, पोलियो अभी भी जो है कुछ देशों में बाकी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैल रहा है, तो इस पर भी जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैक्सीन बनाने के कई तरीके होते हैं। पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, पैथोजीन को ले सकते हो और उसके जो इनएक्टिवेटेड केमिकल्स हैं उसको ले सकते हो, फिर उसको पोलियो वैक्सीन में डाल सकते हो, फिर पोलियो वैक्सीन जो है आप इसको शरीर में एंटर करवा के वैक्सीन के जरिए बॉडी को पता चलवा सकते हो। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम ऐसे चला था, ठीक है। अच्छा, वैक्सीन 40 वैक्सीन अब तक बन चुकी हैं कोविड 19 के लिए, लेकिन कौन सी इलाज के लिए कौन जो है ठीक कर देंगी कोई पता नहीं है, ट्रायल चल रहा है। देखो ऐसे बहुत पैसा लगता है वैक्सीन डेवलप करने में, चाइना में भी डेवलप हुई है, यूएस में भी डेवलप हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैक्सीन को बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है और ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी ऐसी है कि कुछ ही महीनों में हमने बना दिया, पैसा भी बहुत लग गया, लेकिन ट्रायल को होने में 1 से 2 साल लग जाएंगे या फिर 3, कम से कम ऐसे मान लो मिनिमम 6 महीने तो लग ही जाएंगे ट्रायल करने में कि इस वैक्सीन से इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि 40 वैक्सीन है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई इलाज कर पाए, हो सकता है सारी काम आ जाए, हो सकता है सारी काम ना आए, तो ट्रायल जो है सारी वैक्सीन का होने में 1 से 2 साल लग जाएंगे, तो वैक्सीन के भरोसे तो हम अभी भी नहीं रह सकते, तो इसलिए आइसोलेशन करना जरूरी है ताकि एक बार चेन टूट जाए तो जिन लोगों को वायरस हुआ उन पे ये टेस्टिंग हो चुके और उनको जो है फिर ठीक करते रहे आराम से 6 महीने 1 साल आराम से, जल्दबाजी भी ना हो उनके साथ, उनके साथ कोई दिक्कत भी ना हो और लोगों के साथ भी दिक्कत ना हो। कोविड 19 का एक वैक्सीन जो ऑलरेडी ट्रायल में हो चुकी है वो डेवलप की गई है यूएसए के द्वारा, mRNA-1273, ये बेसिकली यूएसए ने बनाई है और उसका फेज 1 जो है स्टार्ट हो चुका है जिसमें इसकी टेस्टिंग की जा रही है। देखो सबसे पहली बात तो चाइना ने गलती ये की कि चाइना एक तरीके से अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस तरीके से आइसोलेट किया और लॉकडाउन चल रहा है, चाइना में नए केसेस नहीं आ रहे और करीब 70,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं वहाँ पे, चाइना ज़्यादा मौतें इटली में हो चुकी हैं, लेकिन चाइना ने अभी तो अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती चाइना ने की है पूरी दुनिया में कि उसने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, 3 हफ्ते तक उसने छुपाए रखा, और जब उसने इन्फॉर्मेशन दी 12 जनवरी को, तब जो है यहाँ पे फरवरी 24 में जो यूएस की वैक्सीन थी वो भेज दी गई थी। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि 42 डे में कोई सीक्वेंसिंग हो गई पूरी और 63 दिन में उस वैक्सीन की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई, वरना साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। mRNA वैक्सीन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं क्या है, देखो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लो कि हमारा जो DNA होता है ना, DNA वो उसमें आपका सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, आपके नाखून कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपके आंखों का कलर कैसा है, आप गोरे हैं काले हैं छोटे हैं पतले हैं मोटे हैं, मतलब आपके जो जेनेटिक जो ब्लूप्रिंट है, जो आप किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे कलर सब कुछ यहाँ पे आपके जो मोस्टली सारी चीज़ें DNA में आपका होता है। तो DNA जो है वो प्रोटीन भी बनाता है, DNA प्रोटीन भी बनाता है जो कि आपकी बॉडी के लिए एवरीडे फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन DNA प्रोटीन में बदलता कैसे है, इसके लिए ज़रूरत होती है mRNA की, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की, mRNA, ठीक है। तो ये mRNA यही जो है काम आता है, इस तरीके से ही जो है वैक्सीन में काम आ रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रख लो। तो कितना टाइम लगता है वैक्सीन डेवलप करने में, देखो ऐसे तो सालों लग जाते हैं, पहले लेबोरेटरीज में जो है बनाई जाती है, फिर प्रूफ दिखाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका डेवलप किया, एक बार वैक्सीन सक्सेसफुल हुई तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, फिर उसके लिए उसको लार्ज स्केल पर डेवलप करना पड़ता है और एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसको टेस्ट नहीं किया जा रहा, ह्यूमंस पर डायरेक्ट जो है क्लिनिकल ट्रायल पर भेजा जा रहा है। तो कोविड 19 वैक्सीन जो है वो ह्यूमंस में ही डायरेक्ट जा रही है बिना एनिमल्स में टेस्ट किए। तो फिर भी अगर एनिमल टेस्ट नहीं कर रहे तो समय बच जाएगा, लेकिन 1 से 2 साल अभी भी लगेंगे क्लिनिकल ट्रायल ओवर हो जाए, क्योंकि 40 कैंडिडेट जो हैं अभी, मतलब 40 वैक्सीन अभी लाइन में है कैंडिडेट वैक्सीन, और कभी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो सारी मैगजीन सारी वैक्सीन से काम भी करेंगी। पैसा कहाँ से आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर से लग जाते हैं, या तो नॉन प्रॉफिट कंपनी करती है या फॉर प्रॉफिट कंपनी करती है, भाई नॉन प्रॉफिट यानी कोई एनजीओ वगैरह कर दे समाज सेवा, कोई प्रॉफिट कंपनी कर दे भाई किसी को वैक्सीन बना के पैसा कमाना हो, तो दोनों चीज़ें, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं इसके लिए। और वैसे तो mRNA जो 1273 वैक्सीन बनी है ये यूएसए की कोएलिशन फॉर एपेडमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन के द्वारा बनी है, ये आपको याद नहीं रखना, वैसे इसका मेंबर इंडिया है, ठीक है, ये याद रख लो कि ये वैक्सीन किसके द्वारा बनी है याद मत रखो, ये सेपी क्या है, ये सेपी का जो है नॉन प्रॉफिट ग्रुप है ये, जो इसका मेंबर इंडिया है, ठीक है। अभी इसने बहुत पैसा दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसने दिए।
अब देखो क्या वैक्सीन बनाने के लिए वायरस की ज़रूरत होती है। देखो पहले तो क्या होता था कि एक इनएक्टिव फॉर्म की ज़रूरत होती थी वायरस की, लेकिन आज ऐसे मोलिकुलर टूल्स और टेक्नोलॉजीज बन गई है कि वायरस को जो है यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वायरस को हम अलग से करके देखें, कि वायरस को हम निकाल के जो है फिर चेकिंग करें, ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टली जो है अब आप इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली ले सकते हो, वायरस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्रोटीन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कोई ह्यूमन इन्फेक्ट भी नहीं हुआ तो भी आपको चेकिंग हो सकती है, तो भी यहाँ पे वायरस जो है सीक्वेंस हो सकता है, वैक्सीन्स रेडी हो सकती है। रुपीस प्लंज, इंडियन करेंसी क्यों डूब रही है, आगे क्या होगा, इंडियन करेंसी ही डूब रही है क्या? देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारी करेंसीज है जो डूब रही हैं। डूब रही है मतलब एक तरीके से अगेंस्ट द डॉलर जो है काफ़ी ज़्यादा स्लंप यहाँ पे दिख रहा है, रुपी की वैल्यू गिर रही है। मतलब एक डॉलर के मुकाबले अब 75 रुपए जो है आएंगे। तो यूएस का ज़्यादा ज़्यादा जब रुपी खरीद लेता है, एक यूएसए में जब रुपी खरीदने की पावर बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं रुपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है। ऐसे आपको वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन एक तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो पहली बात तो कोई करेंसी डेप्रिशिएट क्यों होती है, देखो सबसे पहली बात तो किसी चीज़ की जब देखो प्राइस सिंपल सा खेल है प्राइस का, जब डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो प्राइस नहीं होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई है। ये प्राइस होगी तब जब डिमांड होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस गिर जाएगी। तो जिस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, अब देखो सब दुनिया में सबसे अच्छी करेंसी, सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग डॉलर, हर जगह चल सकती है। तो अभी सारे लोग जो हैं अपने पास जो डॉलर इकट्ठा करने में लग रहे हैं, तो इससे क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे भारत के, जिन्होंने जो है यहाँ पे रुपीज़ इन यूएस डॉलर अपने देके रुपीज़ ले रखे थे वो, ताकि रुपी की अगर वैल्यू बढ़ जाती है या रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उससे पैसे कमा सकें, तो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा था वो डूब ना जाए इसके लिए वो वापस अपने जो है डॉलर ले रहे हैं, ठीक है, और रुपी को दे रहे हैं। तो एक तरीके से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपी की डिमांड जो गिर रही है, ठीक है भाई। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिनके पास रुपीस थे, वो रुपीस को क्यों होल्ड करेंगे इस समय, यूएस को यूएस डॉलर को होल्ड करेंगे ना भाई। आज यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कोई कहीं भी चल सकता है, ये खेल और कुछ भी नहीं है, बस इस वजह से करेंसी डूबती है। तो जो 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और कोविड-19 का आउटब्रेक भी हुआ, जिसमें इन्वेस्टर्स और बिजनेस जो है चारों तरफ वो बेसिकली अपने जो क्रूशियल असेट है उसको बचाने में लग रहे हैं, जो कि यूएस डॉलर है, क्रूशियल असेट, गोल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको माना जा रहा है। गोल्ड भी लोग अब बेच रहे हैं ताकि यूएस डॉलर जो है सोना बेच रहे हैं। डॉलर जो है 2008 में अगर आप देखो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो यूरो के अगेंस्ट 22% बढ़ गया था, वैसे जो है अब हो रहा है और धीरे धीरे जो है रुपी भी डिप्रिशिएट होता जा रहा है। इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा भारत में लगा रखा था और रुपीस को जो है ले रखा था, जब पता चला कि जिस तरीके से जो है मार्केट डूबने वाला है तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने $12 बिलियन के जो बॉन्ड्स हैं वो बेच दिए, शेयर्स बेच दिए, यानी वो $12 बिलियन अपने वापस लेना चाहते हैं और हमारे जो शेयर है जो रुपीज़ है वो वापस देना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट भी 22% तक जो है गिर गया, इक्विटी मार्केट 30 स्टॉक जो S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स है। तो ये बेसिकली रुपी का फॉल इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सारी, अब ये नहीं है रुपी ही हो रहा है, सारी करेंसीज गिर रही है यूएस के मुकाबले और यूएस के डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, डॉलर की जो है प्राइस वो बढ़ती जा रही है। और यूएस ट्रेजरी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो गोल्ड है, उनको भी अब लोग बेच रहे हैं। भाई लोग क्या करते थे, गोल्ड खरीद खरीद के रख लेते थे, गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती रहती है ना, लेकिन गोल्ड की प्राइस भी अब गिर रही है तो गोल्ड बेच रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं क्योंकि डॉलर है जो अभी स्ट्रांग हो रहा है। तो रुपी जो है इस तरीके से गिर रहा है, आगे जो है रिसेशन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, अगर भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर जो समय के अनुसार अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डॉलर एप्रिसिएशन होती जाएगी, रिसेशन अगर आता जाएगा तो, और जो हमारी करेंसीज हैं डूबती जाएंगी, तो आगे इंडियन करेंसी को और भी कुछ झेलना पड़ेगा। इंडियाज़ ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो इतना डूबा हुआ है, दोनों जो गिरे हुए हैं उनसे फेस कर रही है। बिजनेसेस जो हैं बिल्कुल रुके हुए हैं और शॉर्ट टर्म में भी अगर रुपी एप्रिशिएबल हो जाए ये देखना काफ़ी मुश्किल है कि रुपी जो है उठ के वापस खड़ा हो जाए। सुख की खुशी की अच्छी बात यह है कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $482 बिलियन के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब डॉलर, अब देखो डॉलर है तो सही रहता है,
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम जो हमारी सप्लाई है जो नहीं है हमारे पास उसको ले सकते हैं डॉलर की मदद से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो डॉलर ही चलते। तो ये है, और साथ में क्या किया आरबीआई ने, ये ध्यान रख लो, ये होता है बेसिकली फॉरेक्स स्वैप। प्रिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्या होता है आरबीआई को जब डॉलर चाहिए होते हैं ना भाई, देखो इंटरनेशनल क्राइसिस है, गवर्नमेंट को अभी डॉलर चाहिए बाहर से सामान लाने के लिए भारतवासियों के लिए, रुपीज से काम नहीं चल सकता, तो 482 बिलियन डॉलर तो है, लेकिन और भी अगर आपको चाहिए तो आपको आरबीआई कहाँ से डॉलर लाएगा। आरबीआई क्या करेगा कि जो डॉलर लोगों के पास है, जो इंडिविजुअल्स के पास है, जो इंस्टीट्यूशंस के पास है, उनको क्या है, आप एक बैंकों के पास क्या करेगा कि कहेगा कि आप हमको जो आपका डॉलर है वो दे दो, हम आपको रुपी दे देंगे और साथ में जो है इंटरेस्ट भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात है, फिर वो जब डॉलर लेंगे तो उनको जो है यहाँ पे फिर वो बाद में जो लोग जिनका डॉलर थे वो डॉलर ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट फॉरेक्स स्वैप इसको कह रहे हैं कि भाई 2 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पे लिक्विडिटी आई है कि आरबीआई ने कहा है डॉलर जिनके पास है कि हमको डॉलर दे दो, बदले में रुपीज ले लो, ठीक है। तो करंसी स्वैप ही होता है। तो ऑयल की जो प्राइजेज है वो अभी काफ़ी कम है। दूसरी खुशी की बात यह है, पहली तो ये थी फॉरेन रिजर्व, दूसरा तेल की प्राइसेस गिर चुकी हैं 46% तक ही आ चुकी हैं, अब आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल था सबसे ज़्यादा उसमें इस वजह से ही होता था, तो हमारा जो रुपी है वो इस वजह से भी ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑयल की जो प्राइसेस है वो कम है। तो यूएस अब, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं जो आर्टिकल में नहीं कही, क्या तेल की प्राइसेस गिरने से हमको फ़ायदा होता है। देखो हमारी जो BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक पेट्रोलियम पे काम करती है, जिसका बिजनेस पेट्रोलियम का है, उसको फाइन करने का, अगर पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाए, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिर जाएंगी, ऑयल की प्राइसेस गिर जाएंगी, तो क्या ये कंपनी प्रॉफिट में रहेगी? नहीं। तो क्या इसको कोई खरीदने आएगा? नहीं। तो कंपनी, जब भारत सरकार इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो इसमें लेगा कौन? लेगा भी तो जितने वैल्यू है इसकी उससे कम में लेगा ना, तो नुकसान तो हमारा होएगा। दूसरा नुकसान, तेल की प्राइसेस गिर जाएंगी तो जो विदेशों में मिडिल ईस्ट में जो कंपनीज हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा, और हमारे जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाला जाएगा। तो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। US इकोनॉमी जो है वो बेसिकली अब रिसेशन की तरफ मुड़ रही है, और अगर रिसेशन नहीं भी हो तो मासिव अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आएगा। अगर आप कैलिफोर्निया देखें, जो कि स्टेट है USA में, उसने स्टे इन प्लेस ऑर्डर दे दिया है, तो डॉलर भी जो है फिर लोग होल्ड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा फैलने के चांसेस भी हैं, और करेंसी रोकने के भी चांसेस, होल्ड करने के चांसेस भी हैं, कि इसमें रिस्क बढ़ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, COVID-19 को हराना पड़ेगा। अब आप कह सकते हो कि यार RBI इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है रेपो रेट, उससे मार्केट में जो है लोन, ज़्यादा ज़्यादा लोग लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। देखो तो RBI इंटरेस्ट रेट कट कर देगा तो इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोग अगर सस्ते में लोन, मतलब लोगों को पता है कि सस्ते में लोन अब मिल रहा है, तो रुपी की जो आप जाओगे, रुपी लोगे, रुपी का फ्लो अगर बढ़ गया, रुपी की सप्लाई अगर बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब सप्लाई रुपी की बढ़ जाएगी तो करेंसी और डिप्रिशिएट होएगी, क्योंकि किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, लो ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। भाई डॉलर रुपी की जो रुपी ज़्यादा ज़्यादा आया अभी, तो फ्लो की वजह से, सप्लाई की वजह से यहाँ पे रुपी डिप्रिशिएट हो सकता है। US जो डॉलर लोग अभी इकट्ठा कर रहे हैं, मार्केट में डॉलर लोग अपने पास रख रहे हैं, तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम है तो इसके लिए डिमांड भी ज़्यादा है, इसके लिए प्राइस भी ज़्यादा हो गई। रुपी अगर मार्केट में एक साथ आप निकालोगे इंटरेस्ट रेट कट करके, और अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट कट किया, बैंक गए RBI के पास, कहा कि ठीक है रेपो रेट कम हो गई, हमको लोन दे दो इसी रेट में, और फिर बैंकों ने जाके सस्ते में लोन देना स्टार्ट कर दिया, तो रुपी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्लो, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और साथ में अगर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड भी कम होएगी और प्राइसेस भी घट जाएगी, यानी डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।